रेवाड़ी की कॉलोनियों में अपराध पनप रहा है और कॉलोनी में रहने वाले ही लोग आपराधिक गतिविधियां कर रहे हैं, जिससे कॉलोनी के लोग परेशान हैं। आज असामाजिक तत्वों की गुंडागर्दी से परेशान होकर राजीव नगर कॉलोनी के पुरुष और महिलाएं जिला सचिवालय पहुंचे और एसपी को ज्ञापन देकर मांग की कि असामाजिक तत्वों पर नकेल कसी जाए। स्थानीय लोगों ने कहा कि अब गुंडागर्दी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों का कहना है कि रात उनके मोहल्ले में शादी थी, तभी कॉलोनी के ही दो लड़के आए और मामूली कहासुनी को लेकर गोली मार जान से मारने की धमकी दी और पहले भी इसी तरह उन्हें धमकी दी जाती रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस थाने में की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पुलिस ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया। बहरहाल ना अभी तक आरोपियों को पकड़ा गया और ना ही केस दर्ज किया गया। ऐसे में पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा हो जाता है। गली में मोटरसाइकिल भगाते हैं, छोटे छोटे हमारे बच्चे खेलते हैं, मना करते हैं तो सीधी पिस्टल दिखाते हैं। तुम्हारे मोहल्ला में तुम्हारी गली में आग लगा जाएंगे, फालतू बोलेंगे तो। अरे नहीं तो भाई, हम तो ऐसे ही करते चलांगे, ऐसे कैसे करेंगे भाई। में फिर तो गुज्जर ही रहेंगे हमारी गली में, हम तो रहो आई ना आगे। अरे आदमी बोलो तो आदमिया ने कम है, नीची निगाह से बात करो, हमारी साइड लखाओ मत। हमने नुका हमने रांट कर जाओगे, सर आदमिया ने मार दागे। मोहल्ला गली मारे माग लगाओ, हमारे माल का नमोदे। रात को क्या हुआ था जी, कि दो लड़के आए, हमारे भतीजे की शादी है 31 मार्च की, नवंबर की, और अक्टूबर की। तो कल बनवारा निकला था तो ढोल लाल बज रहे थे, लड़कियां नाच रही थी, बच्चे घूम रहे थे गली में। दो लड़के बहुत स्पीड से बाइक को लेकर आए, तो हमारे एक भाई ने उनको सिर्फ ये कहा कि भाई थोड़ा गाड़ी को मंदा चला लो, तो वो सीधा कुछ नहीं बोले, गाली पकड़ने लग गए और ऐसे हाथ करने लगे कि गोली मार देंगे, पीतल भर देंगे, और 100 घर की बस्ती को कहने लगे कि इस पूरी बस्ती में हम आग लगा जाएंगे। फिर भी हमने उनको हाथ उठ जोड़ के और प्यार से समझा के भेज दिया। उसके बाद वो फिर दोबारा आए, घूम फिर के 5-7 मिनट के बाद फिर दोबारा आए, और आते ही हमारे भाई से कहने लगे कि तेरी घरवाली को हम विधवा रांड कर जाएंगे अगर तू ऊंची आवाज में बोले तो। उन्होंने जातिवाद भी कहा, बाल्मीकि समाज के लोगों को जाति सूचक शब्द कहे कि भंगियो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे सामने वारदात, तो हथियार देखा था आपने? नहीं, ऐसे कर रहे थे जी वो, मतलब बंदूक मार देंगे, ऐसे कर रहे थे, था जरूर, चाहे वो छुरी थी चाहे वो बंदूक थी, था जरूर कुछ ना कुछ हथियार, कुछ ले रखा, असला जरूर कुछ ले रखा था, चाहे तो वो छुरी होगी या बंदूक। समाज के लोग आए यहाँ पे, कुछ दमंग लोग इनको रोज आए दिन परेशान करते हैं, कभी इनका रावण जला देते हैं, होली मंगा देते हैं बिना उसके। और कल रात को बाल्मीकि समाज में शादी थी, वो गली बिल्कुल बंद है, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, बंद गली है। उसमें रात को कुछ लोग गए, इन लोगों से बदतमीजी की, उसके बाद इन्होंने जैसे समझा के वापस भेज दिया। उसके बाद दोबारे गए और मारपीट की इन्होंने, हथियार वथियार भी दिखाने के बाद बता रहे भाई तुम्हारी गोली मार देंगे, ये तुम्हें ये कर देंगे, मतलब उन लोगों ने न्याय की बदतमीजी करी इन लोगों से। और आए दिन का रोल होगा जो आज पूरा मोहल्ला पूरा समाज आज ऐसे मैडम को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया भाई हम सक्सेस कार्रवाई करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं तो फिर दोबारा से पूरा समाज ऐसे साहब मिलेगा, नहीं धरना प्रदर्शन करेंगे।